कसम उठाए करना है प्रारंभ, आओ कदम बढ़ाए करना है प्रारंभ, आओ पढ़े पढ़ाए करना है प्रारंभ, ज्ञान की ज्योत जलाए पसारेंगे, धरती पे सूर्य उतारेंगे, आंधी आए या तूफान हिम्मत न हारेंगे, आओ पढ़े पढ़ाए करना है प्रारंभ, ज्ञान की ज्योत जलाए करना है प्रारंभ। खबर सुनने को आई है, सुना है बस्ती में भी नौटंकी टीम आ रही है। सो तो है। हाँ प्रधान जी, पूरी बस्ती में लोग इसी बात पर चर्चा कर रहे हैं। अरे मियाँ, कुछ लोग तो इसे शक की निगाह से देख रहे हैं, सोच रहे हैं ये नौटंकी टीम यहाँ आई किस मकसद से है, कहीं झुग्गी झोपड़ियों पर तो कोई। जुम्मन मियाँ, जब तक हम यहाँ इस बस्ती में जिंदा है ना, इन झोपड़ियों की तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता। तुम तो बस जरा सी बात पर घबरा उठते हो। वो बात नहीं है प्रधान जी, आपको और हमको इस बस्ती में कितने बरस हो गए, इससे पहले तो कोई नौटंकी टीम इस बस्ती में नहीं आई। सही कह रहे हो जुम्मन चाचा, हमने भी कोई नौटंकी टीम नहीं देखी। हमारी जिंदगी तो बस मटर के दानों की तरह लुढ़क रही है। हमारी जिंदगी का हर दिन एक सा होता है, कुछ भी नया नहीं होता। तुम लोगों के साथ बड़ी दिक्कत है कि तुम लोग पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं हो, हर चीज को सबकी निगाह से देखते हो। तुम्हें पता है कुछ है? हमारी सरकार झुग्गी झोपड़ी के विकास के लिए कितना काम कर रही है, यह नौटंकी टीम भी यहाँ इसी काम के लिए आ रही है, विकास के लिए। और नहीं तो क्या, तुम्हारे मनोरंजन के लिए, इसलिए ताकि तुम लोग कुछ देख सको, कुछ सीख सको। अल्लाह जाने क्या सिखाने और क्या समझाने आ रही है नौटंकी टीम। प्रारंभ नौटंकी टीम? अभी प्रारंभ नहीं, प्रारंभ नौटंकी टीम। मतलब क्या? मतलब प्रारंभ का मतलब होता है प्रारंभ। यानी क्या? यानी कि शुरुआत। तो प्रधान जी, ये नौटंकी टीम हमारी बस्ती में रोज आया करेगी? अभी इतना मुझे नहीं पता, शाम को खुद ही पूछ ली उनसे। अब जा, जाके मटर गश्ती कर। ना, मुझे ना अच्छी लगती है लड़ाई झगड़े वाली फिल्म। कैसे एक दूसरे को मारे हैं और गोली तो ऐसे चलावे हैं जैसे किसी ने मोटरसाइकिल स्टार्ट कर दियो। ये तो भाई सच्ची थोड़ा पीटते हैं। और ऊपर से हीरो, वो तो ऐसे एक दूसरे को मारे जैसे पता नहीं है। ए, लेकिन विलन को पिटता देख मजा भी तो बहुत आता है। मुझे तो सिर्फ गाने में मजा आवे। ए, लेकिन पहली वाली फिल्मों के गाने ज्यादा अच्छे होते थे। आजकल गाना तो क्या होता है, ऐसे लगता है कि जैसे पूरा का पूरा जुलूस निकल रहा हो। सही कह रही, और म्यूजिक तो ऐसा हो है जैसे किसी ने 20 की 20 प्लेटें जमीन पे पटक मारी हो। चुप भी करो, जब देखो फिल्मों की बातें, जब देखो फिल्मों की बातें। इस टीवी ने बच्चे तो क्या, बच्चों की अम्मा भी बिगाड़ दी है। अम्मा तुम तो चुप करो, तुम भी तो वो अंग्रेजी फिल्म देखती हो। कल मुझसे कह रही थी, रुको समझ तो कुछ नहीं आता लेकिन मजा बहुत आता है। चुप भी करो, क्या शर्म है, आप पेच खाई है क्या? लंबा तारा पानी तो पिला। हाँ ले आजा बेटा, ले पी ले पानी। अरे कालू, एक बात तो बता। हाँ बोल अम्मा, क्या पूछ रही है? अरे मैंने सुना है आज हमारी बस्ती में कोई नौटंकी टीम आ रही है। हाँ अम्मा, सुना तो मैंने भी है। प्रधान जी बता रहे थे कि नौटंकी टीम हमारी बस्ती में कुछ विकास भी करेगी। आप तुम लोग मानो चाहे ना मानो, खुद आके शाम को देख लेना कि नौटंकी टीम क्यों आ रही है। अब बैठ के बातें करो, मैं तो चला। चल ना, हम खुद ही जाके देख लेंगे सारा।
का इतना ही शौक है तो बीच में जाकर क्यों नहीं नाचता। है तो गबरू जवान और नाचने में शर्माता है, जब तू मेरी उम्र को पहुंचेगा तो पर्दा करने लगा। चल अब नालायक कहीं का। तू भी जाना, अरे जाना मन तो तेरा अंदर से कर रहा है, जा चल 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 चल। रम नौटंक की टीम की ओर से आप सब ने देखा एक गाना, आशा है आप सबको पसंद आया होगा। और अब दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब प्रारंभ नौटंक की टीम जो नाटक सरकार की ओर से आप सबके सामने पेश करने जा रही है, हो सकता है ये नाटक आपके जीवन की दिशा बदल डाले, हो सकता है ये आपकी जिंदगी के उबड़ खाबड़ रास्तों को सहज बना दे। लेकिन नाटक शुरू होने से पहले मैं आप सबको एक बात बताना चाहती हूँ। दरअसल ये नाटक एक वास्तविक घटना पर आधारित है। ए, ये वास्तविक घटना क्या होवे? वास्तविक घटना का मतलब ये है कि इस नाटक में जो कुछ भी दिखाया जाएगा वो सचमुच आप और हम जैसे लोगों के जीवन में घटा है। आप तो बस भाषण दी जा रहे हैं, नाटक कब शुरू करेंगे? तो लीजिए शुरू करते हैं आज का नाटक। आप ही जैसे एक बस्ती में रहती तो सहेली, आप ही जैसे एक बस्ती में रहती तो सहेली, एक नाम चारू और एक नाम चमेली, दोनों बर्तन मांझा करती, दोनों बर्तन मांझा करती, एक खुश रहती एक दुख सहती, जीवन अजब पहेली रे भैया, जीवन अजब पहेली रे भैया, जीवन अजब पहेली, आप ही जैसे एक बस्ती में रहती तो सहेली, जीवन अजब पहेली। अरे चारू, 3 घंटे हो गए तुझे, तूने अभी तक बर्तन नहीं किए? भगवान बचाए तो जैसी नौकरानी से, अब राम जाने कब तू अपना काम खत्म करेगी। अरे मरी जल्दी जल्दी हाथ चला, तू तो कभी नहीं सुधरेगी, अभी सारे घर का काम भी बाकी है। हाँ ठीक है, हाँ बाकी बातें जब कल मिलते हैं। ओके बाय बाय। मेम साहब, हाँ पोछा भी लगा दिया है, कपड़े धोने हो तो बता दीजिए। नहीं चमेली आज कपड़े नहीं धोने। अच्छा मेम साहब मैं चलती हूँ, कल टाइम पर आ जाऊंगी। हाँ सारा काम ठीक ठाक हो गया ना? जी मेम साहब सब कुछ कर लिया मैंने। ठीक है। अच्छा मेम साहब। अच्छा ठीक।
और इस तरह से बीत रही थी दोनों की जिंदगानी, और इस तरह से बीत रही थी दोनों की जिंदगानी। ना था कोई मकसद उनका, ना था कोई मानी। एक दिन गांव में आए भैया दो ठो नौजवान, करके इकट्ठा सबको उन्होंने दिया एक ज्ञान। भैया क्या ज्ञान दिया जा रहा है, जरा हमें भी तो बताओ। हाँ भाई तुम भी सुनो। आप सब शहर में रहते हैं, बल्कि अच्छे घरों में छोटे मोटे काम करके अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि ये सब काम आपको ही क्यों करने पड़ते हैं? नहीं नहीं नहीं, इसमें किस्मत का कोई कसूर नहीं है। आप अपनी किस्मत को बदल सकते हैं, लेकिन जिसको आप अपना भाग्य समझ बैठे हैं वो आपकी अज्ञानता है। और जिस दिन आप अपनी इस अज्ञानता से मुक्ति पा लेंगे उस दिन अपने भाग्य को भी बदल देंगे, लेकिन इसके लिए आपको आत्मविश्वास लाना होगा अपने, और फिर आप अपने पर रोएंगे नहीं बल्कि अपनी मेहनत पर और उसके फल पर गर्व करेंगे। उसका सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है पढ़ाई, साक्षरता। साक्षरता मिशन की ओर से हमने यहाँ एक प्रौढ़ शिक्षक केंद्र खोला है। हम चाहते हैं कि इस बस्ती के सभी अनपढ़ बड़े बूढ़े इस केंद्र में अपना नाम दर्ज करवाएं, खुद पढ़ें और औरों को पढ़ाएं। अगर आपने एक बार शिक्षा का सहारा ले लिया तो आपका रहन सहन, आपकी सोच, आपका पूरा जीवन देखिए कैसे बदल जाएगा। केवल आपका जीवन ही नहीं, आपके बाल बच्चों का जीवन भी। अगर आपको एक बार मालूम हो गया कि शिक्षित होने के क्या क्या फायदे हैं, तभी आप अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर या टीचर बनाने के बारे में सोच सकते हैं। मात्र 40-50 रुपया कमाने के लिए आप उन्हें किसी कारखाने या किसी ईंट के भट्टे या होटल में नहीं झोंक देंगे। ये जो पुश्त दर पुश्त आपके घरों में गरीबी चली आ रही है, केवल शिक्षित होकर ही आप इसे मिटा सकते हैं। अब बताइए आप लोगों में से कौन कौन पढ़ना चाहता है? जी मैं। अच्छा आप? जी हाँ। पर दिल लगा के आपको अपनी पढ़ाई करनी है? जी हाँ। चमेली ने लिया फैसला, उसको भी अब पढ़ना है। नहीं मांझने पर तो उसको जीवन में आगे बढ़ना है। नमस्ते मास्टर जी। नमस्ते नमस्ते। तुम? जी मैं चमेली हूँ साहब जी। चमेली? अरे हाँ, तुम तो बस्ती की वही लड़की हो ना जिसने वादा किया था कि वो पढ़ना शुरू करेगी। हाँ जी साहब जी। हाँ, और तुमने दिल लगाकर पढ़ने का वादा किया था, हाथ यूं करके। जी मास्टर जी। मास्टर जी हाँ। मेरी एक मुश्किल है। बोलो। मैंने सोचा कि आपसे आकर पूछूं। पूछो। मास्टर जी मैं आपसे पूछना चाहती थी कि अगर मैं पढ़ाई लिखाई शुरू कर दूं तो उसका मेरे काम पर कोई हरज तो नहीं पड़ेगा ना? अरे नहीं भाई, और कौन कहता तुम्हें 24 घंटे पढ़ने को। अच्छा ये बताओ तुम दिन में कितने घंटे काम करती हो? सुबह को 4 घंटे और शाम को भी 3-4 घंटे काम कर लेती हूँ। और खाली वक्त में क्या करती हो? खाली वक्त में टीवी देखती हूँ, वो होती है ना फिल्मों वाली किताब, उसे उलट पलट के फोटो वोटो देखती हूँ। और कभी खाली वक्त रहता है तो हम काम करने वालियाँ कुछ गपशप ही मार लेती हैं बस। अब ये देखो, अब तुम अपने इसी खाली वक्त में प्रौढ़ शिक्षा केंद्र में जाकर हिंदी, अंग्रेजी और गणित सीख सकती हो। और चमेली उसके बाद भी तुम्हारे पास इतना समय बचेगा कि तुम सिलाई कढ़ाई भी सीख सकती हो। हाँ मास्टर जी, मैंने ना केंद्र में सिलाई की मशीन देखी है। क्या वो मशीन हमें सिखाने के लिए है? हाँ बिल्कुल, तुम लोगों को सिखाने के लिए ही है। और सिलाई मशीन तो क्या, प्रौढ़ शिक्षा केंद्र में कंप्यूटर भी है। मास्टर जी कहा मैं कंप्यूटर सीख सकती हूँ? हाँ क्यों नहीं। लेकिन मास्टर जी ये कंप्यूटर एक महीने में सीखा जा सकता है? देखो चमेली, किसी भी काम को सीखने में समय तो लगता ही है, और शिक्षा कोई दवा का घोल तो है नहीं कि इधर पिलाया और उधर असर शुरू। और दवाई भी तो धीरे धीरे असर करती है कि नहीं? मतलब मैं कंप्यूटर नहीं सीख सकूंगी? नहीं नहीं नहीं, देखो पहले तुम पढ़ना लिखना शुरू करोगी, उसके साथ कोई हुनर सीखोगी, और तुम्हारी जिंदगी में एक ना एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब तुम कंप्यूटर भी सीखना शुरू कर दोगी। मास्टर जी मैं कंप्यूटर सीख जाऊंगी। हाँ उसके बाद
बर्तन मांझना, वो झाड़ू पोछा करना, ये सब कभी नहीं करना पड़ेगा मुझे। नहीं नहीं चमेली, कोई भी छोटा मोटा काम बुरा नहीं होता है। बस इंसान को ये मानना चाहिए कि एक न एक दिन वो बड़े से बड़ा काम भी कर सकता है, लेकिन इसके लिए उसे हमेशा प्रयत्न करते रहना चाहिए। भाई छोटे मोटे काम करने वाले तो देशों के राष्ट्रपति तक बने हैं। सच में मास्टर जी? हाँ, अब जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन को ही लो, भाई वो मजदूरी करते थे लेकिन साथ में पढ़ते भी थे, और उन्होंने ये भी सोच रखा था कि एक दिन वो इस दुनिया के बहुत बड़े आदमी बनेंगे। अब मैं समझ गई हूँ मास्टर जी। क्या समझ गई? यही कि जो काम मैं आज कर रही हूँ उसके साथ साथ मुझे पढ़ना भी चाहिए। बिल्कुल ठीक चमेली, अगर तुमने पढ़ा लिखा और कुछ सीखा ना, तो कल को तुम वो काम नहीं करोगी जो आज कर रही हो। जी मास्टर जी, अब मेरी मुश्किल हल हो गई है। चमेली ने चारू को ही बहुत समझाया, न जाने क्यों उसकी समझ कुछ ना आया। चारू, तू कब तक अपने भाग को यूं ही कोसती रहेगी? मेरी बात मान तो मेरे साथ प्रौढ़ शिक्षा केंद्र चलाकर, हो सकता है वहां पर जाने से हम दोनों के दिन फिर जाए, बर्तन मांजने के बजाय कोई अच्छी सी नौकरी हमें मिल जाए, फिर तो दो पैसे ज्यादा भी मिलेंगे और सुख चैन की जिंदगी भी जिएंगे। अरे दिन ऐसे नहीं फिरा करते, अब मांजने तो हमें दूसरों के झूठे बर्तन ही हैं, चाहे पढ़ लिख कर मांजो या अनपढ़ रहकर। देख चारू, तू ऐसा क्यों कहती है? अगर हम दोनों थोड़ा बहुत पढ़ लिख गए तो किसी ऑफिस में या फिर किसी स्कूल में या फिर अस्पताल में नौकरी करेंगे। नौकरी? तुझे ऑफिस और स्कूल के सपने देखने हैं तो देख, पढ़ाई लिखाई करके तू ही चला लिया तीर। मुझे मेरी हालों की किस्मत छोड़ दे, ये अच्छी रही, एक तो बर्तन मांजो, झाड़ू पोछा करो, ऊपर से पढ़ाई लिखाई में अपना सर खपाओ, बदन भी हल्का करो और दिमाग पर भी जोर दो। देख चल, तेरी जो इच्छा है वो तू कर, मेरा काम तो तुझे समझाना। अब तेरी समझ में नहीं आ रहा है तो मैं कुछ नहीं कर सकती, भाई मैंने तो अपने सारे काम निपटा दिए। अब देखना, मैं भी जाऊंगी प्रौढ़ शिक्षा केंद्र, वहां जाकर सीखूंगी, मास्टर जी की सारी बातें मानूंगी, दो शब्द सीखूंगी तो उससे भलाई होगा, नुकसान नहीं होगा, और पता है जो कुछ भी सीखूंगी ना वो आगे चलकर मुझे ही काम आएगा। हाँ देख, तू रोज प्रौढ़ शिक्षा केंद्र जाकर अपना 2-4 घंटा तबाह करेगी, मैं उसी वक्त 2-4 घर और पकड़ लूंगी, तब पूछूंगी मैम साहब कि पैसे ज्यादा आप कमा रही या मैं। अच्छा मेरी माँ, मैं हारी और तू जीती, बस देख लेना। जीवन के इस दौराने पर दोनों आगे बढ़ने लगी, चारू मांजती बर्तन के बल और चमेली पढ़ने लगी। आप ही जैसी एक बस्ती में रहती दो सहेली, आया बारिश वाला चम चम करके भालू नाचा, गधे ने भी सुर मिलाया, मेंढक भी ढोलक ले आया। फिर एक दिन ऐसा भी आया जिसने चमेली को चौंकाया, देख के अपनी मेहनत का फल रह गई चमेली बिल्कुल दंग। चमेली, आज मैं तुम्हारे लिए ऐसी खुशखबरी लाई हूँ जिसे सुनकर तुम खुशी से झूम उठोगी। ऐसा क्यों हुआ मेम साहब? आज से तुम्हारा बर्तन मांझना बंद। ना मेम साहब, ऐसा नहीं कहिए, कुछ गलती हो गई है तो। अरे नहीं पगली, आज से तुम्हारी एक सरकारी अस्पताल में नौकरी लग गई है, अब तुम्हें बर्तन मांझने की कोई जरूरत नहीं है। सच मेम साहब, मेरी सरकारी अस्पताल में नौकरी लग गई? मेम साहब ये सब आपकी मेहरबानी है मेम साहब।
मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं। अरे विश्वास नहीं होने का तो कोई कारण ही नहीं है। ये देखो तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर, और ये सब तुम्हारी अपनी ही मेहनत का फल है। लेकिन मीम साहब, अगर आप मुझे हिम्मत न देती तो आज ये सब कुछ कभी नहीं हो पाता मीम साहब। अच्छा ये सब बातें छोड़ो और मेरी बात ध्यान से सुनो। अस्पताल में तुम्हें एक चादर बदलने और ऐसे छोटे मोटे काम दिए जाएंगे जी, लेकिन हर काम मेहनत और ईमानदारी से करना, सीखना और आगे बढ़ने की तुम्हारी इस इच्छा को कभी मत मरने देना। जी मीम साहब, आपकी दी हुई शिक्षा मैं कभी नहीं भूलूंगी, हमेशा अपनी गांठ में बांध के रखूंगी मीम साहब। वेरी गुड। और हाँ मीम साहब, आपने जो कुछ मेरे बारे में सोच रखा है ना, वो मैं सच में करके दिखाऊंगी मीम साहब। हाँ शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद है। मीम साहब मैं जाऊं, मैं चाहती ये खबर मैं सबसे पहले अपनी सहेली चारू को ही बताऊं। हाँ हाँ जाओ। अच्छा मीम साहब, हो सकते हैं सच सब सपने, हुआ चमेली को विश्वास, खुशी खुशी ये खबर बोले, पहुंची चारू के पास। चारू, ओ चारू। अरे चमेली तू? हाँ मैं। हाँ बोल क्या बात है। अरे तू इधर तो आ, तुझे एक बात बतानी है। हाँ बोल क्या बात है। चारू आज मुझे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिली है। ऐसी क्या खुशी की बात है चमेली? चारू मेरी नौकरी लग गई है। नौकरी लग गई है? हाँ चारू सचमुच में नौकरी लग गई है, और वो भी एक सरकारी अस्पताल में। अब तो मेरी दुनिया ही बदल जाएगी। पता है अब मुझे तनख्वाह मिला करेगी, तनख्वाह, और अब मैं दूसरे लोगों के जूठे बर्तन कभी नहीं मांझूंगी। ये तो बहुत खुशी की बात है चमेली, तेरे भाग्य में तो सिर्फ इतने ही बर्तन मांझने लिखे थे, पता नहीं मेरे भाग्य में कब तक बर्तन मांझना और झाड़ू पोछा करना लिखा है। मैं तो तंग आ गई हूँ जिंदगी से, समझ में नहीं आता कि क्या करूं। बस ये सोचकर चुप हो जाती हूँ कि भाग्य में जो भी लिखा है वही होना है। देख चारू, तेरी सबसे बड़ी गलती ये है कि तू सब कुछ भाग पर छोड़ देती है, अपनी तरफ से कोशिश नहीं करती अपनी हालत को सुधारने की। देख तू मेरी सबसे अच्छी सहेली है चारू, मैं भी चाहती हूँ कि मेरी तरह तुझे भी बर्तन मांजने के काम से छुटकारा मिल जाए। अब मुझे ही देख ले, मैंने प्रौढ़ शिक्षा केंद्र जाना शुरू किया, पढ़ाई लिखाई सीखी, और आज उसी की वजह से छोटी सी ही सही लेकिन एक नौकरी मिल गई है। तुझे याद है चारू, जिस दिन मैं सबसे पहले प्रौढ़ शिक्षा केंद्र पढ़ने गई थी तब मैंने तुझे भी साथ चलने को कहा था, लेकिन तू नहीं गई। अगर उस दिन केंद्र में चली होती तो आज तेरा ये हाल ना होता। सचमुच चमेली, आज मुझे लग रहा है कि मैंने तेरी बात न मानकर बहुत बड़ी गलती की, लेकिन अब बहुत देर हो गई है, अब करूं भी तो क्या करूं। चारू अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, हाँ तू आज ही प्रौढ़ शिक्षा केंद्र में चली जा और वहां जाकर अपना नाम दर्ज करवा ले। और ऐसा नहीं है कि वहां पर सिर्फ क ख ग ही सिखाते हैं, सिलाई कढ़ाई कंप्यूटर दस्तकारी ये सब भी सिखाते हैं। लेकिन अब इतनी देर से, वो भी कंप्यूटर दस्तकारी। अब देख जो देर हो गई सो हो गई, तू बस इतना समझ ले कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। आज अगर तू कुछ सीखना शुरू करती है तो हो सकता है एक दो सालों के बाद तेरी भी कहीं अच्छी सी नौकरी लग जाए, और उसके बाद तुझे भी दूसरों के जूठे बर्तन कभी नहीं साफ करने पड़ेंगे। बस एक बार अपने मन में ठान लो कि तुम्हें अनपढ़ नहीं रहना है, फिर देखो तुम्हारी जिंदगी अपने आप कैसे बदलती है। तू ठीक कह रही है, अब मैंने भी तय कर लिया है कि मैं आज से ही प्रौढ़ शिक्षा केंद्र जाऊंगी, पढ़ूंगी और कुछ काम सीखूंगी। ये हुई ना अकल वाली बात। चारू तेरे इस फैसले ने आज मुझे खुश कर दिया। लेकिन चमेली मुझे इस फैसले तक पहुंचाने वाली तो तू है। तो इस तरह दोनों सहेलियां अपनी अपनी राह पर आगे बढ़ने लगी, और आपको पता है चमेली आज कहां पहुंच गई है। चमेली ने उसके बाद कंप्यूटर भी सीखा और आज वो उसी अस्पताल में एक कंप्यूटर ऑपरेटर है। आशा है आप लोगों को प्रारंभ नौटंकी टीम की ओर से एक सच्ची घटना पर आधारित ये नौटंकी न केवल पसंद आई होगी बल्कि आपको आपके जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करेगी।
आपकी बस्ती में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा चलाते होंगे और जो ये समझते हैं कि ऐसा करना उनके भाग्य में लिखा है। देखिए, आपने हमारे नौटंकी में देखा कि ऐसी कौन सी चीज है जिसने आपके और आपके जीवन को अंधकार में बना रखा है। वो है अज्ञानता। जब तक अज्ञानता के काले बादल नहीं छटेंगे आप लोगों के जीवन में नई रोशनी नहीं आ सकेगी। लेकिन हम कर भी कह सकते हैं, हमें आज तक ये बात किसी ने बताई नहीं। हम भी तो नौटंकी वाली चारू की तरह आज तक यही समझते थे कि हमारे किस्मत में सिर्फ कूड़ा भी नहीं लिखा है। लेकिन आज आप लोगों ने आके हमारी आंखें खोल दी हैं। अब हम भी अपना भाग बदलने के लिए जरूर जाएंगे और हम आज से ही प्रौढ़ शिक्षा केंद्र आना शुरू करेंगे। शाबाश बेटा कालू, शाबाश। ये तूने बहुत बढ़िया काम किया। अब तू सच माने में इस बस्ती का हीरो बन गया है। लेकिन जुम्मन मियां, ये फैसला सिर्फ कालू को ही नहीं करना है। अब मैं आपका मतलब नहीं समझा। मतलब ये जुम्मन भाई कि प्रौढ़ शिक्षा केंद्र में जाने का फैसला सिर्फ कालू का ही नहीं होना चाहिए बल्कि आपका और सब भाई लोगों का भी होना चाहिए। लेकिन मैं जुम्मन मियां, बहन जी सही कह रही है, अब तुम्हें हमें सभी को पढ़ाई करनी है। प्रधान जी, लेकिन अब इस उम्र में। अरे तुमने वो कहावत नहीं सुनी का, जहाँ पर है बसेरा सवेरा वही है। हाँ हाँ, प्रधान जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जुम्मन भाई। शिक्षा की शुरुआत कहीं भी किसी भी उम्र में की जा सकती है। अरे इसीलिए तो ये नौटंकी मैंने बस्ती में बुलवाई है, ताकि हमारी बस्ती में भी वो आ सके। वो क्या कहते हैं बहन जी? जागरूकता। हाँ, ताकि हमार बस्ती में भी जागरूकता आ सके। लेकिन ये जागरूकता सिर्फ पुरुषों तक ही नहीं रहनी चाहिए। हम सब औरतों ने तो फैसला ले लिया है कि अब हमें अनपढ़ नहीं रहना। क्यों, तैयार हो ना तुम सब पढ़ने के लिए? हाँ, हम सब तैयार हैं। ये हुई ना बात, आपकी पढ़ाई करने से आपका जीवन किस तरह सुखी हो जाएगा ये आप देख लेना। और आप ये बताइए कि जीवन बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना है? हाँ, हम भी पढ़ेंगे। Thank you.